तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आज की इस नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सोलर बैटरी और ट्रैक्टर बैटरी में क्या फर्क होता है और इनकी जो है प्राइस में क्या फर्क होता है। दोस्तों, आप सबके मन में ये सवाल जरूर रहता है कि बॉक्स भी उतना ही है और जो है बैटरी भी उतनी बड़ी है, लेकिन ये सोलर जो है ट्रैक्टर को क्यों नहीं स्टार्ट कर पाती है और जो ट्रैक्टर वाली बैटरी है वो सोलर से महंगी क्यों होती है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं, दोस्तों इस वीडियो को आप सब एंड तक जरूर देखिएगा ताकि वीडियो के अंदर आपको जो कुछ भी बताऊं वो आपको बड़े तरीके से मालूम चल जाए। और अगर आपको ट्रैक्टर की बैटरी खरीदना है तो आप इसका कोड वर्ड भी जरूर देख लेना और आपको आराम से इसे खरीद सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये हमारी सोलर बैटरी और ये हमारी ट्रैक्टर बैटरी, इसमें जो वजन का डिफरेंस है वो 8 से 9 किलो है, यानी ये ज्यादा है ये कम है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, इसकी जो गारंटी है वो 3 साल की और इसकी जो वारंटी है वो 1.5 साल की है, यानी कि आधे आधे का फर्क है। 3 साल की इसकी वारंटी और 2 साल की एक्स्ट्रा जो है, 3 साल की फुल रिप्लेसमेंट और 2 साल की एक्स्ट्रा वारंटी है, ठीक है, 5 साल में। लेकिन ये 1.5 साल की इसकी फुल रिप्लेसमेंट है, ठीक है। उसके अलावा आपका कुछ नहीं है। अगर मैं साइज की बात करूं तो दोनों का साइज एक ही है, सेम साइज है, ना कोई ज्यादा बड़ी है ना कोई ज्यादा छोटी है, साइज एक ही है दोनों का, ठीक है। बाकी ज्यादा बड़ा वजन में भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो हमारी प्लेटें होती है, मेन चीज होती है हमारी प्लेटें, ठीक है। इसमें जो हमारी प्लेटें रखी जाती हैं सेलों के अंदर वो होती हैं मोटी और वो रखी जाती है 3 से 4, ठीक है, एक सेल के अंदर। लेकिन इसमें 6 से 7 प्लेटें रखी जाती हैं क्योंकि ये जो है ट्रैक्टर के इंजन को घुमाती है। तो ट्रैक्टर का जो है इंजन 45 हॉर्स पावर का हो या 55 या 58 हॉर्स पावर का जैसा होता है, ठीक है, तो उसे ये घुमाती है क्योंकि ट्रैक्टर का इंजन जो है बहुत ही हार्ट होता है, उसे एकदम झटका चाहिए उसे स्टार्ट करने के लिए। तो इसमें दोस्तों बहुत ही ज़्यादा करंट होता है और इसमें जो है वो करंट नहीं दे पाती है, स्मूथ चलती है, लगातार चलती है, लेकिन ये दोस्तों हमारा झटका देती है एकदम ट्रैक्टर को, ठीक है, ज़्यादा एकदम बाँट देती है, लेकिन ये कम बाँट देती है लेकिन धीरे धीरे चलती है। अगर दोस्तों मैं गारंटी की बात करूँ तो इसमें जो प्लेटें होती हैं वो जल्दी, हमारी गलती नहीं है, मोटी प्लेटें होती हैं जल्दी गलती नहीं है, इसलिए सोलर बैटरी की ज़्यादा गारंटी आती है और नॉर्मल बैटरी की इतनी ज़्यादा गारंटी नहीं आती है। इसीलिए सोलर बैटरी दोस्तों जो है सस्ती पड़ती है, हर इंसान को बहुत ही ज़्यादा सस्ती पड़ती है नॉर्मल बैटरी के मुकाबले में, ठीक है। तो इतना ही बस फर्क है कि ये जो है सोलर बैटरी में जो प्लेट होती है मोटी होती है, इसमें जो है प्लेटें पतली होती हैं। दूसरी बात दोस्तों, ये जो बैटरी 110 एच की है और ये जो बैटरी 40 एम्पेयर की है, फर्क दोनों में ये है कि दोस्तों इसमें जो है वजन और इसमें जो है माल नहीं लगा हुआ है और इसमें जो है ज्यादा माल लगा हुआ है, पानी नहीं होता इसमें, ज्यादा पानी होता है इसमें, पानी बिल्कुल नहीं होता है, 2-4 किलो पानी होता है, लेकिन इसमें हमारा 8 से 10 लीटर पानी निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा है एक्साइट एक्सप्रेस लिखा है, यहाँ पे जो 110 एम्पेयर की बैटरी, अगर प्राइस की बात करो तो ये मार्केट में आपको इस टाइम पे 8,200 रुपए की मिल जाएगी, और अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो मार्केट में आपको इस टाइम 5,300 रुपए की मिलेगी। तो दोनों में जो रेटों का डिफरेंस बहुत ही ज्यादा फर्क है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ट्रैक्टर के लिए चाहिए तो आप ट्रैक्टर की बैटरी का यूज करें और अगर आपको सोलर बैटरी चाहिए तो आप सोलर बैटरी का यूज करें, ठीक है। तो ट्रैक्टर पे ये बैटरी नहीं चल सकती, ना उसका इंजन घुमा सकती है और ना उसमें लाइटें जला सकती है, बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। तो ट्रैक्टर के लिए बैटरी बिल्कुल नहीं है और ये ट्रैक्टर के लिए बैटरी बहुत बढ़िया बैटरी एक्साइड, ठीक है, ये लीडर कंपनी की बैटरी 40 एम्पीयर की, इसकी होम सर्विस वारंटी, इसकी भी होम सर्विस वारंटी है। तो दोस्तों, साइज दोनों का एक ही है लेकिन वजन और एम्पेयर का बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो दोस्तों, ये छोटी सी आपको नॉलेज कैसी लगी, अगर वीडियो आपको 1% भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलते हैं फ्रेंड अगली वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।